देखिए प्रश्नावली 4.6 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था, अब 9 भी सेम ही है और 10 भी है, लेकिन हम लोग 10 यहाँ पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैपिटल ए बराबर लिखेंगे, जो यक्स का गुणांक होता है वो पहले स्तंभ का होता है और वाई का गुणांक दूसरे स्तंभ का, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। जो यक्स का गुणांक है वो पहले स्तंभ का और वाई का गुणांक दूसरे स्तंभ का, यहाँ पे कैपिटल एक्स बराबर एक्स वाई लिखेंगे और बी बराबर ये दोनों अचर लिखेंगे। फिर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ ए बराबर 5 × 10 3 × 6 बराबर 4, ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए ये जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और जब कोई भी आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है तो वह एक संगत आव्यूह होता है। अब हम लोग इसका निकालेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स के लिए मार चाहिए तो मार निकाल लिया है, अब निकालेंगे ए वन वन बराबर -1/2। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दो बचेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, और ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है और यहाँ पे 2। अब देखिए ए वन टू इसमें -1/3, और यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 3 बचेगा। अब देखिए ऋणात्मक संख्या का घात विषम है तो ऋण आएगा और यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर आगे देखिए, अब निकालते हैं हम लोग a21, अगर a21 है तो लिखेंगे -1/3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये हमारा बचेगा 2। फिर देखिए ऋणात्मक संख्या का विषम है तो ऋण और ये लिख देंगे 2। a22 -1/4, यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, बचेगा 5, और ये ऋण का घात अगर 4 है तो प्लस देगा और इसका हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम लोग देखिए सी बी दिया है तो निकालेंगे सी निकालेंगे, ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति। अब इसी को देखकर हम लोग निकालते हैं सी डैश, इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो पहले पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, ये 2 और -3 है इसे स्तंभ में करेंगे, ये दूसरे स्तंभ में कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब हम लोग सूत्र में रखेंगे इसको, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/modulus ऑफ ए इंटू सी डैश कहिए या एडजॉइंट ऑफ ए कहिए। तो इसमें देखिए कि मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास मिली है 4 दिया गया है, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है 2 − 2 −3 − 5, इस तरीके से ये मिल जाएगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, अब हम लोग एक सूत्र और पढ़े हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर रखेंगे तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से इसमें रख देंगे 1/4 और 2 − 2 − 3 − 5, बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 3 − 5 = 3 − 5। अब देखिए 1/4 यहीं पे रखेंगे और ये जो है पंक्ति का स्तंभ में गुणा कर देंगे 1/4, 2 × 3 = 6, सूत्र का प्लस, 2 × 5 = 10 − 10, ध्यान दीजिएगा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 × 3 = 2 × 3 = 6, सूत्र का प्लस, यानी इसका इसमें गुणा करते हैं प्लस लगा देते हैं, 2 × 5 = 10 − 10 कोष्टक में, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब हमारे पास दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा 3 × 9 − 9, सूत्र का प्लस, 5 × 5 = 25, ये हो गया ठीक है, 1/4,
यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 घटाएंगे माइनस 4, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 1/4 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए। तो देखिए इसका गुणा ऐसे होगा, 1 का गुणा माइनस 4 में, तो माइनस 4 नीचे 4, 1 का गुणा 16 में, क्योंकि ये अंश है ये हर है, तो अंश का अंश में ये हो जाएगा 16/4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बराबर -1 और यहाँ पे 4। अब देखिए ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह में हैं, और जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके अवयव आपस में बराबर होते हैं, एक्स जो है बराबर -1 हो जाएगा और वाई बराबर 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये दोनों एक्स वाई के आंसर प्राप्त होते हैं। 11 में ये हमारा 3 इक्वेशन दिए गए हैं, और इसमें आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड 3 चर राशियां हैं, इसमें भी एक्स वाई जेड है पर इसमें 2 हैं, एक अपने से बनाएंगे इस तरीके से 0 × x प्लस, अब यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। अब इसके गुणांक पहले निकालते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू, कैपिटल ए बराबर देखिए 2 1 0 1 − 2 = 3 1 − 1 − 5 क्लियर है। यहाँ पे मैंने गुणांकों को लिख लिया, देखिए एक्स लिखा इसमें से, इसमें से इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं 0 मानेंगे, वाई का 1, यहाँ का -2, यहाँ का 3, यहाँ का 1 लिखेंगे, यहाँ का -1, यहाँ का -5। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब लिखेंगे बी बराबर एक्स वाई जेड, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी नहीं है, ये एक्स है, और बी बराबर अचर होता है, यहाँ पे 1 3/2 यहाँ से 9 ए एक्स बी हमारे पास आ गया। अब इसमें इसका मॉडुलस निकालिए, डिटर्मिनेंट बराबर पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान लिख लीजिए 2, ये देखिए ये और ये छोड़ेंगे, पहला मान लिख लिया, कैंची काट गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 5 × 2 = 10, फिर सूत्र का माइनस, 3 × 1 = 3 -3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर सूत्र का माइनस लिखते हैं, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान 1 लिखेंगे, कोष्टक लगाओ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिए, ये और ये बचेगा, इसका इसमें गुणा करो, -5 सूत्र का माइनस, इसका इसमें 0 आएगा, फिर लिखेंगे प्लस, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये लिखेंगे 1, और यहाँ पे ये बचेगा 3 × 1 = 3, फिर सूत्र का माइनस, इसका इसमें 0 प्लस रहेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो ये है ना, तो ये 0 का इसमें करोगे 0 ही आएगा, -0 कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है 0 प्लस में, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। अब देखिए 2 × 10 = 13, ये माइनस माइनस प्लस, 1 × 5 = 5, 1 × 3 = 3, 13 × 2 = 26, 5 × 3 = 8 बराबर 34। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए संगत है, यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे इनवर्स, a11 -1 की पावर 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़िए, ये छोड़ दीजिए, ये बचेगा, इसका इसमें गुणा, 5 × 2 = 10, 3 × 1 = 3 +3 बराबर 10 × 3 = 13, a12 -1 की पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए, देखो ये और ये छोड़ दो, इसका इसमें -5 सूत्र का माइनस, इसका इसमें 0, तो ये हो जाएगा इसका -5
और इसका माइनस 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 प्लस फाइव ए वन थ्री माइनस वन टू दी पावर फोर। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ ये बचेगा और इसका कैंची काट गुणा करो, तीन एक के तीन और इसका इसमें जीरो, ऋणात्मक संख्या का घात फोर है तो प्लस देगा, तीन में से जीरो घटाएंगे तीन मिलेगा। ए टू वन माइनस वन के पावर थ्री, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ देखिए, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे ये मिलेगा, ये पाँच एक के पाँच, फिर तीन एक के तीन, ये सूत्र का माइनस, पाँच तीन आठ, माइनस आठ और माइनस माइनस प्लस। उसके बाद देखिए ए टू टू माइनस वन टू दी पावर फोर, यहाँ देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, पाँच दूनी दस माइनस दस, सूत्र का माइनस, इसका इसमें गुणा जीरो का जीरो, ऋणात्मक संख्या का घात फोर है पॉजिटिव देगा और ये माइनस दस में से जीरो घटाओगे माइनस दस, प्लस माइनस प्लस माइनस दस हो जाएगा। ए टू थ्री माइनस वन टू दी पावर फाइव, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़िए, दूसरा पंक्ति छोड़ दीजिए तीसरा स्तंभ, तीन दूनी छः माइनस जीरो, तीन दूनी छः माइनस जीरो बराबर, इसका देखो माइनस वन टू दी पावर फाइव है माइनस मिलेगा, छः में जीरो घटाएंगे छः मिलेगा, क्लियर है। अब देखें यहाँ पे ए थ्री वन माइनस वन के पावर फोर, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये बचेगा कैंची काट गुणा, इसका इसमें माइनस वन सूत्र का माइनस, माइनस दो माइनस प्लस दो, दो में से घटाएंगे एक, ए थ्री टू माइनस वन टू दी पावर फाइव, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति छोड़ दो दूसरा स्तंभ, इसका इसमें इसका इसमें माइनस टू माइनस वन, माइनस टू माइनस वन बराबर प्लस थ्री, माइनस वन माइनस ऐड करेंगे माइनस थ्री और इसका माइनस 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 प्लस। ए थ्री थ्री माइनस वन के पावर सिक्स, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा, माइनस फोर माइनस वन, माइनस फोर माइनस वन, इसका प्लस होगा इसका माइनस, फोर माइनस वन माइनस फाइव, इस तरीके से हमारा यहाँ पे वन वन। अब इसका निकालेंगे सी, सी निकालेंगे, लिख लीजिए यहाँ देखिए ये है, तेरह से चालू करेंगे, तेरह पाँच तीन आठ और फिर माइनस दस माइनस छः एक तीन पाँच। अब यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी डैश या एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर लिखेंगे पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए तो ये मिल जाता है सी से, तेरह पाँच तीन आठ माइनस दस माइनस छः एक तीन माइनस पाँच, इस तरीके से ये हमें मिल जाता है। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स वन अपान माड ऑफ ए इंटू सी डैश, माड ऑफ ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो है चौंतीस और सी डैश की यहाँ सी ए मिला है, तेरह आठ एक पाँच माइनस दस तीन, तीन माइनस छः माइनस पाँच, इस तरीके से हमें इनवर्स मिल जाएगा। अब हम लोग सूत्र जानते हैं, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, कैपिटल एक्स की वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे।
देखिए कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले में कैपिटल एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई जेड, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू मैंने रख दी। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से देखिए ये है, ए इनवर्स बराबर ये 1/34 13 8 1 5 - 10 3 3 - 6 - 5 बी की वैल्यू क्या है 1/3 2 9 तो यहाँ पर हमारे इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला अभी बाहर ही रखेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 13 का गुणा 1 में 13 1 के 13 ध्यान दीजिएगा, और 8 का इसमें 8 3 24 देखो 8 3 24 2 8 3 24 2 1 का गुणा 9 में 9 1 के 9 एक एक पॉइंट देखते रहिए, इसका इसमें किया, अब इसका इसमें करेंगे 5 1 के 5 प्लस, यहाँ देखो इसका इसमें 10 तिहाई 30 बटे का 2 9 3 27 3 1 के 3 प्लस 6 3 18/2 -18/2 प्लस 5 9 45 -45 इसे आगे सॉल्व करेंगे 1/34 देखिए 2 1 के 2 2 2 24 13 2 26 26 में 1 निकाला 25 25 5 30 30 4 34 34 अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 1 के 2 और 2 15 30 -15 -15 में से 10 5 निकाल दो -10 और 27 में से 10 निकालेंगे 17 2 1 के 2 2 9 18 ठीक है यहाँ देखिए 45 में 5 जोड़ेंगे 50 50 4 54 54 में 3 निकाल देंगे -51 क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड मैंने इनको लिख दिया, शांति 1/34 का गुणा 34 में करेंगे तो ये देखो इसमें अंश और हर है, इसमें केवल अंश है, इसका हर एक है तो 34 का गुणा 1 में और इसके हर में 1 है तो 34 का गुणा 1 में इस तरीके से आगे अगर हम इसे बढ़ाएंगे एक्स वाई जेड तो यहाँ हो जाएगा बराबर 34/34 और ये हो जाएगा 17/34 ये हो जाएगा 51/34 इससे ही 17 दूना 34 17 3 51 आगे हल करेंगे एक्स वाई जेड बराबर यहाँ पर 1/2 यहाँ पर -3/2 अब देखिए ये दोनों समान आप व्यू हैं क्योंकि ये 3 × 1 3 × 1 कोट के आप व्यू हैं और x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर 1/2 हो जाएगा और z बराबर -3/2 तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में इसको लगाएंगे तो यहाँ सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं, आप व्यू a
एक दो एक, और वाई के गुणांक माइनस वन वन वन, जेड के गुणांक यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस थ्री वन, कैपिटल एक्स जो है तीन चर हैं एक्स वाई जेड, और फिर हमारे पास कैपिटल बी में तीन समीकरण हैं, तीन अचर होंगे चार जीरो दो। अब यहाँ देखिए इसका मॉडुलस निकाल लेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे एक लिख देंगे, एक का गुणा एक में सूत्र का माइनस, फिर एक का गुणा इसमें माइनस माइनस प्लस, फिर सूत्र का माइनस और ये माइनस वन प्लस वन, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ ये और ये बचेगा कैंची काट गुणा, एक का दो में दो, सूत्र का माइनस, एक का माइनस तीन में माइनस माइनस प्लस तीन, फिर सूत्र का प्लस, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे पहला मान लिख देंगे एक, ये और ये एक लिख दिया, ये बचा इसका कैंची काट गुणा, एक का दो में दो, सूत्र का माइनस, एक का एक में एक। अब देखिए यहाँ पे तीन एक चार, चार का गुणा एक में चार, तीन दो पाँच, पाँच एक के पाँच, दो में एक घटाएंगे एक, एक का गुणा एक में एक, ये हो जाएगा दस, और ये दस जो है जीरो के बराबर नहीं है इसलिए संगत है तथा व्युत्क्रमणीय है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए वन वन माइनस वन के पावर माइनस वन के पावर टू, यहाँ देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए बचेगा कैंची काट गुणा, एक का एक में एक सूत्र का माइनस, एक का इसमें माइनस माइनस प्लस तीन बराबर चार, ए वन टू माइनस वन के पावर थ्री, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक का एक में एक माइनस एक बराबर जीरो, ए वन थ्री माइनस वन के पावर फोर, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, एक मिनट, ए वन टू का मतलब देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक का एक में दो और इसका इसमें यहाँ पर आएगा ना प्लस थ्री, ये सही है बराबर माइनस पाँच, ये सही है ये हो जाएगा माइनस फाइव। अब यहाँ देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बचेगा टू माइनस वन बराबर वन, ए टू वन बराबर माइनस वन के पावर थ्री, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़िए, दूसरा पंक्ति ये है पहला स्तंभ, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन बराबर प्लस, इसका माइनस टू इसका माइनस 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 प्लस। अब देखिए ए टू टू माइनस वन टू द पावर फोर, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक का एक में एक, एक का एक में एक, वन माइनस वन बराबर जीरो, ए टू थ्री माइनस वन टू द पावर फाइव, माइनस वन टू द पावर फाइव, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए जरा दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है तीसरा, एक का इसमें एक और माइनस वन, एक प्लस वन हो जाएगा बराबर माइनस टू, इसका माइनस इसका टू। आगे देखिए ए थ्री वन माइनस वन टू द पावर फोर, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें प्लस थ्री माइनस वन बराबर टू, ए थ्री टू
माइनस वन के पावर फाइव, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस थ्री माइनस टू, ये तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए ये तो यहाँ पे बच जाएगा तीसरा पंक्ति माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू बराबर पाँच, ए थ्री थ्री माइनस वन टू द पावर सिक्स, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ एक का इसमें वन और प्लस टू वन माइनस, इसका इसमें माइनस टू तो प्लस टू बराबर थ्री। अब देखिए आ गया, अब हम निकालेंगे सी। सी में देखिए यहाँ से लिखिए फोर माइनस फाइव वन, टू जीरो माइनस टू टू फाइव थ्री। अब इसी का निकाल लेंगे सी डैश एडजॉइंट ऑफ ए, पहला पंक्ति पहले स्तंभ में कर दीजिए, चार माइनस पाँच एक, दो जीरो माइनस दो, दो पाँच तीन, ये चीज आ गया। अब लोग हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स, वन अपान मॉडुलस ऑफ ए सी डैश, एक बटे मॉडुलस ऑफ ए की जो वैल्यू है दस है, यहाँ पे मिल जाएगा चार, यह ना चार दो दो माइनस पाँच जीरो पाँच, एक माइनस दो तीन। अब देखिए एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, ये सूत्र है हमारे पास कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इसी में कैपिटल एक्स की वैल्यू रखोगे तो एक्स वाई जेड ए इनवर्स की वैल्यू वन अपॉन टेन, और यहाँ पे ये है चार दो दो माइनस पाँच जीरो पाँच, एक माइनस दो तीन, और इधर से मिलेगा बी की वैल्यू क्या है चार जीरो दो। इस तरीके से हम लोग अभी इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इतना लिखिए पहले। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड यहाँ पे एक बटे दस, पहले पंक्ति के पहले स्तंभ में चार चौके सोलह धन, दो में जीरो का जीरो धन, दो दूनी चार, आगे देखिए पांच चौके बीस धन, इसका इसमें जीरो प्लस पाँच दूनी दस। अब इसका इसमें करो तीसरी पंक्ति का पहले एक चौके प्लस, इसका इसमें जीरो प्लस तीन दूनी छ। अब यहाँ लिखेंगे एक्स वाई एक बटे दस, सोलह चार बीस में दस न का माइनस दस, छः चार दस, देखो दस कहीं भाग दे दियो डायरेक्ट एक्स वाई जेड, बीस में दस का भाग दो, दस में दस का भाग माइनस एक, दस में दस का भाग एक, दोनों समान आप भी हुए तो एक्स बराबर वाई बराबर माइनस वन और जेड बराबर वन। इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते समय यहाँ पे लिखेंगे एक्स के गुणांक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, वाई का गुणांक माइनस वन फोर माइनस वन दो माइनस फाइव थ्री, ये आप व्यू मिल गया। अब कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स तीन गुणांक है एक्स वाई जेड,
फिर हमारे पास कैपिटल बी के जो अचर हैं वो है 7 - 5 = 12। अब इसका हम लोग निकालेंगे माड। पहला पंक्ति पहला स्तंभ एक, देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, एक लिख लिया, कैंची काट गुड़ा, चार तिया 12, माइनस माइनस प्लस, 5 × 1 = 5, सूत्र का माइनस इसका माइनस प्लस 1। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 × 9, 2 × 5 = 10, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस प्लस, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे 2, ये 3 × 1 = 3 - 3, 4 × 2 = 8, 5 × 12 = 7, 9 + 10, 10 × 9 = 19। यहाँ देखिए 8 × 3 = 11, 11 × 2 = 22। यहाँ देखिए 22 में से 7 निकालिए 15, सभी लोग ध्यान दीजिए, 22 में से 7 निकालिए 15 और 19 में से 15 निकालेंगे 4। यहाँ पे आ गया ये 4 = 0। यही सौर सीख रहे हो, यहाँ वाला देखो, इसमें a11 - 1 की पावर 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ ये होगा चार तिहाई 12, एक का इसमें 5, चार तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस सूत्र का, 12 में से 5 निकालेंगे 7, a12 - 1 की पावर 3, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, ये और ये बचेगा, 3 × 9 और 2 × 5 = 10, माइनस माइनस प्लस, 10 × 9 = 19 - 19, a13 - 1 की पावर 4, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, ये बचेगा और इसका इसमें -3 - 8, इसका इसमें -3 - 8, 8 × 3 = 11 - 11। अब आगे देखिए, इसमें a21, यहाँ देखिए a13 हो गया, अब निकलेगा हमारे पास a21 - 1 की पावर 3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, 3 × 3 - 3 × 3 - 2 × 2, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 3 × 3 - 3 और 2 × 2 - 2, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए इसका माइनस प्लस 1। अब आगे देखिए a22 - 1 की पावर 4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें 2 × 4 -1, a23 - 1 की पावर 5, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति छोड़ो तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, इसका इसमें -1, सूत्र का माइनस, 2 × 2 - 2 + 2, 2 में घटाएंगे 1 -1, अब हो जाएगा a31 - 1 की पावर 4, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ,
तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, पाँच एक के पाँच, चार दूनी आठ बराबर माइनस तीन, ए थ्री टू माइनस वन के पावर फाइव, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें माइनस पाँच माइनस छः, छः पाँच ग्यारह प्लस ग्यारह, इसका माइनस प्लस, ए थ्री थ्री माइनस वन टू द पावर सिक्स, तीसरा पंक्ति चार एक के चार और प्लस तीन एक के चार तीन सात, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे सी, सी हमारे पास यहाँ से चालू होगा सात उन्नीस, माइनस उन्नीस है माइनस ग्यारह, एक माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री ग्यारह सात, फिर हम यहीं से निकालेंगे सी डैश एड ज्वाइंट ऑफ ए, पहला पंक्ति स्तंभ में कर दीजिए, सात माइनस ग्यारह, एक माइनस एक माइनस तीन ग्यारह सात, इस तरीके से हमारा सी मिल जाता है। अब हम लोग इसी को देखकर क्या निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर वन अपान माड ऑफ ए इंटू सी डैश, वन अपान माड ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है चार, और सी डैश की वैल्यू सात एक माइनस तीन माइनस उन्नीस माइनस एक ग्यारह माइनस ग्यारह माइनस वन सेवन, इस तरीके से इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे सूत्र में लिखेंगे, अब इसे सूत्र में रखेंगे, यक्स बराबर ए इनवर्स बी में, तो यक्स की वैल्यू है हमारी यक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की जो वैल्यू है ये है एक बटे चार, और यहाँ से सात एक माइनस तीन माइनस उन्नीस माइनस एक ग्यारह माइनस ग्यारह माइनस वन सात, और बगल में बी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे सेवन माइनस फाइव बारह। अब देखिए इसके बाद आप लोग हल करिएगा पिछले सवालों की तरह, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हर कर, चलिए ठीक है ना, ये आपके लिए एसडब्ल्यू है।